हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग बारे में। ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं बायसिंग के बारे में। बायसिंग एक्चुअल में होता क्या है, याद रखिएगा, जब हम किसी भी डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो बैटरी या कनेक्शन का जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। बायसिंग बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है आपका फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है आपका रिवर्स बायसिंग। हम लोग पहले बात करने वाले हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। उससे पहले आप याद रखिएगा कि जो आपका डायोड होता है, जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसका जो सिंबल होता है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी सर्किट का यूज करेंगे उस सर्किट में आपको क्या करना है, इस टाइप का सिंबल का यूज करना है जो आपका डायोड का सिंबल होता है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो इसकी टेल होती है वो आपका पी टाइप को कनेक्ट करती है, जबकि जो इसका आपका शीर्ष होता है, जो आपका सब वर्टिस होती है, वो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफाइन करता है। तो ये आपका क्या है, एक जंक्शन डायोड का सिंबल हो गया। अब बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग क्या करेंगे हम लोग, आपका जो डायोड है उस डायोड का जो पी टाइप है उस पी टाइप को क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जबकि जो एन टाइप है इसे क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम क्या करेंगे, इस टाइप का कनेक्शन करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगा कि आपका जो पी टाइप मटेरियल होगा वो पी टाइप मटेरियल आपका बैटरी के पॉजिटिव से, जबकि आपका जो एन टाइप मटेरियल होगा वो आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। इसकी वर्किंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको मैंने बताया था कि जो आपका पी टाइप होता है उस पी टाइप में आपके जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो आपका जो यहाँ पे मेजोरिटी हो गया वो क्या हो गया, होल्स का हो गया। जबकि आपका जो एन टाइप पार्ट हो गया, उस एन टाइप पार्ट में जो आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आप इस टाइप का कनेक्शन करोगे वैसे क्या होगा, ये जो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और होल्स कैसे हैं, होल्स भी आपके कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पी टाइप के होल्स हैं और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों क्या होंगे, जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा होल्स का वो कहाँ पर होगा, जंक्शन की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन टाइप के वो कहाँ मूव करेंगे, वो भी कहाँ मूव करेंगे, जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या होगा, बिकॉज ऑफ डिप्लेशन लेयर होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वोल्टेज को बढ़ाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कॉम्बिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल वोल्टेज में इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, उस केस में क्या करेंगे, हम लोग वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को, यानी कि जो आपका वोल्टेज है इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज। जैसे आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जो डिप्लेशन लेयर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे क्या होगा, ये जो आपकी डिप्लेशन लेयर होती है, जो फॉर्म होती है जंक्शन पे, वो क्या होगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जैसे आपकी डिप्लेशन लेयर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी, वैसे क्या होगा, अपने आप ही होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करेंगे, और जैसे आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे वैसे यहाँ पे क्या होगा, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक बार और याद रखिएगा कि जो आपका फॉरवर्ड वोल्टेज होता है उसकी आपका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लानी होती है। याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव तरफ होती है। ठीक है, और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो पी टाइप होता है उस पी टाइप में क्या आता है, निगेटिव टाइप निगेटिव चार्ज आता है और एन टाइप की तरफ आता है पॉजिटिव। ये आपका क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है। इसका अगर डायरेक्शन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होगी, इस तरफ होगी। इसे क्या बोलेंगे, ई नॉट, और इसे क्या बोलेंगे, ई इनपुट। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो आपका ई इन है इसके डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये वोल्टेज क्या होगा, धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसके डिप्लेशन लेयर का जो वोल्टेज है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिप्लेशन लेयर भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सिंबल होता है, ये आपका पूरा जो आपका वर्किंग हो गया। अगर बात करें इसके डायग्राम की, इसका क्या करें, वी आई करेक्टरिस्टिक की, तो वी आई करेक्टरिस्टिक बहुत ही सिंपल होता है। अगर नॉर्मली बनाना चाहें हम लोग, तो ये आपका वी हो गया, ये आपका आई हो गया। तो स्टार्टिंग क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट नहीं बढ़ती है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बट करंट हमें नहीं बढ़ रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बॉडी में, इस केस में आपका जो डायोड है वहां पर डिप्लेशन लेयर पहले से मौजूद है। डिप्लेशन मौजूद होने की वजह से क्या हो रहा है, एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है। पर जैसे क्या होता है, एक सर्टेन वोल्टेज आता है,
सर्टेन माउंटेन जहां पर क्या होता है डिप्रेशन है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैंने आपको बताया था सिलिकॉन के लिए आपका डिप्रेशन जो आपका पोटेंशियल बैरियर होता है वो कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ जैसे आप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे वैसे क्या होगा अपने आप वहां पर डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसे वहां पर डिप्रेशन खत्म होगी वैसे क्या होगा वोल्टेज बढ़ाने करंट बहुत ही रैपिडली इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये जो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे डिप्लेशन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है उस वोल्टेज क्या बोलते हैं नी वोल्टेज। तो ये आपको होता है नी वोल्टेज, याद रखिएगा नी वोल्टेज वो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है जिस फॉरवर्ड वोल्टेज पर आपका जो डिप्लेशन लेयर है या पोटेंशियल बैरियर है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस वोल्टेज को जिस वोल्टेज पे आपकी डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाती है उसे क्या बोलते हैं नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपकी करेक्टरिस्टिक है इसे क्या बोलते हैं वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने को आता है, इसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करने को आता है, साथ साथ उसमें आपको वी आई करेक्टरिस्टिक डिफाइन करने को बोलता है। ये आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है। अब हम बात करने वाले हैं रिवर्स बायसिंग की। चलिए बात करते हैं रिवर्स बायसिंग में। तो रिवर्स बायसिंग कुछ और नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको जो पी टाइप मटेरियल है उस पी टाइप मटेरियल को आप क्या करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जबकि आप एन टाइप मटेरियल क्या करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। यानी यहाँ पे जो कनेक्शन होगा बैटरी से वो आप उल्टा कर देंगे। इस केस में क्या होगा जो पी और एन के जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा पी टाइप के जो होल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में और जो एन टाइप के होल्स है वो क्या करेंगे जंक्शन से दूर हटेंगे। तो जब क्या होंगे जो आपके मेजोरिटी कैरियर्स हैं पी और एन के वो क्या करेंगे जंक्शन से दूर हटेंगे, इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। बिकॉज याद रखिएगा किसी भी डायोड में करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन का कंबाइंड करना। जब इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में कंबाइंड करते हैं तभी जाके करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हो जंक्शन से दूर हट रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे सपोज करिए स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं दूर हट रहे हैं कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पी टाइप में क्या होता है माइनॉरिटी भी तो होते हैं, पी में जो माइनॉरिटी होते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे आपको जो एन में जो माइनॉरिटी होते हैं वो क्या होते हैं होल्स होते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से दूर हटेंगे मतलब मेजॉरिटी की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जो पी और एन के जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं मतलब पी के इलेक्ट्रॉन्स और एन के जो होल्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे वो दोनों मूव करेंगे जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। यानी यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं पी के इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ मूव करेंगे जंक्शन की तरफ, वैसे क्या होंगे जो एन के होल्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे जंक्शन की तरफ। तो क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होगी तो स्टार्टम क्या होगा ये बहुत ही स्मॉल बहुत ही इजीली बहुत इजीली मूव नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। बट जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे क्या होगा एक इन लोग की जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बिकॉज याद देखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है फॉर्मूला होता है उसका ईवी, मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे क्या होगा जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा ये क्या करेंगे डिप्लेशन लेयर में क्या होता है याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है डिप्लेशन लेयर में आपके कौन से चार्ज कैरियर रहते हैं। तो डिप्लेशन लेयर जो होती है वो पूरी तरह से क्या होती है न्यूट्रल होती है, मतलब ना तो उसमें होल्स होते हैं ना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें क्या होते हैं केवल एटम्स होते हैं। तो जो डिप्लेशन लेयर होती है उसमें केवल एटम्स होते हैं। तो क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो हैं जो जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं वो क्या करेंगे डिप्लेशन लेयर में प्रेजेंट जो एटम्स हैं उससे स्ट्राइक करेंगे, और जैसे वो वहाँ के एटम्स स्ट्राइक करेंगे वैसे क्या होगा वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। और जैसे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है वैसे क्या होता है याद रखिएगा एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर एक का आपका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा एक कोवलेंट बॉन्ड अगर आपका ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या होगा पेयर में याद लिखेगा क्या होगा आपके वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते हैं कब जब एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। तो क्या होगा जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे पी के इलेक्ट्रॉन जैसे वो एटम से स्ट्राइक करेंगे वैसे ही एटम से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा वहां पे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या होंगे वहां पे अपने आप इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर्स में जनरेट हो जाएंगे। ऐसे जब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो जाते हैं, यानी जो माइनॉरिटी जो थे जो बहुत कम थे वो अचानक से क्या होंगे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा अचानक से क्या होगा अपने आप ही इस डायोड में बहुत ही रैपिडली करंट फ्लो हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो इसको याद रखिएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं अवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं, अवलांच
ब्रेकडाउन। तो ये जो अवलांच ब्रेकडाउन होता है, कभी कभी क्या होता है अलग से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या फिर ये रिवर्स बायसिंग में साथ में आ जाता है। तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन सीरीज से बनते हैं, पहला तो रिवर्स बायसिंग को एक्सप्लेन करना और साथ ही साथ अवलांच ब्रेकडाउन कभी कभी अलग से आ जाता है या फिर इसी के साथ पूछ लिया जाता है। तो अवलांच ब्रेकडाउन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अवलांच ब्रेकडाउन में क्या होगा कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा पी और एन के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे माइनॉरिटी कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, वैसे क्या होता है वो डिप्लेशन लेयर में प्रेजेंट जो एटम्स हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं, और जैसे वो डिप्लेशन लेयर में प्रेजेंट एटम्स से कोलाइड करेंगे वैसे क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा ब्रेक होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर्स में जनरेट होते हैं। जैसे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वैसे क्या होगा अपने आप ही करंट बहुत ही रैपिडली इंक्रीज करती है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायसिंग की। देखिए कैसे होता है, देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सिंपली वोल्टेज और करंट को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हम लोग क्या कर रहे हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर टर्मिनल्स हमने इंटरचेंज किए थे। तो टर्मिनल्स इंटरचेंज करने के लिए जब आप रिवर्स बायसिंग में डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे आप याद रखना है कि आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होगा वोल्टेज होगा और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में क्या होगा करंट होगा। तो स्टार्टिंग क्या होता है जैसे आप क्या करेंगे वोल्टेज को बढ़ाओगे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब बहुत ही माइनॉरिट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो स्टार्टिंग क्या हो रहा है वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो बट करंट यहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं हो रही है। अचानक क्या होगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज में जैसे क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं वैसे क्या होता है करंट बॉडी रैपिडली इंक्रीज करती है। तो ये जो आपका रीजन है जिस रीजन में आपको याद रखना है करंट बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है यानी आपका जो डायोड है वो क्या होता है हीटिंग वजह से खत्म हो जाता है उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं अवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ये जो आपका रीजन है ये आपको क्या दिखा रहा है अवलांच ब्रेकडाउन को दिखा रहा है। तो ये आप क्या है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायसिंग हो गया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट अगर आपका रह गया है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए, हम लोग उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको जो भी जितने भी आपके फ्रेंड्स दोस्त जो भी हैं रिलेटिव जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनको जाकर जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।